नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज में। मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा में मौजूद हूं और साथ ही हमारे सुनील रजनीवाल जी हैं जो कि ओबीसी मंडल के महामंत्री। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सुनील जी, मेरा आपसे सवाल है सर, जैसे भी आपका नीति को लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री जी से अभी जो 56 सवाल पूछे गए सर, 9 घंटे उनसे पूछताछ भी हुई सर, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत चतुर और चालाक आदमी है। इसने अपने पास कोई पद तो रखा नहीं है और इसने अपने साथियों को पद दे रखे हैं, उन्हीं से करवाता है घोटाले और अपने आप को बचाने के लिए ये चोर मचाए शोर वाली नीति अपनाता है। ये पहला शख्स है, चोरी भी करता है, सीना जोरी भी करता है। पहला शख्स है जो शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री भी बनाता है और शिक्षा मंत्री भी बनाता है, शराब भी बंटवाता है और शिक्षा भी बंटवाता है। ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा। और फिर कहता है भगत सिंह जी से उनकी तुलना करता है, भगत सिंह के सर का बाल नहीं है सर जी। बात भगत सिंह की करते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने के लिए। इसलिए इनकी जो नीति है बहुत वो वाली, जो पहले डाकू यह करते थे ना तो लूट कर लाए करते थे डाकू बहुत सारे, तो दोस्त भी छचोरों को इकट्ठे कर लेते थे, आसपास के उन्हें माल बांट दिया करते थे, तो वो शोर मचा पुलिस आ गई तो उन पर हमला करते थे, ड्रामे करते थे। ये वही लोग हैं। मैं सबसे पहले तो शिक्षा के विषय में बारे में बात करना चाहता हूँ। 9th का 11th का रिजल्ट आया है अभी, तो दिल्ली में 35% बच्चे फेल हुए हैं। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ये कहते हैं कि हमारी स्कूलें एक नंबर पे है, वर्ल्ड की लेवल की है, तो अब 35% बच्चे फेल हुए हैं। तो आप बताओ, अपने छुपा रहे हैं। अच्छा, कि कहाँ गई है स्कूलें, इतनी अच्छी पढ़ाई कहाँ गई? स्कूलें बनी हुई हैं, 10-10 कमरे बने, उसमें एक कमरा बना दिया कि पूरी बिल्डिंग हमने बना दी है, कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने। सिर्फ हाँ, कुछ भी, कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने इसके नाम पर घोटाला किया। अब ये जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, गधे बड़े हुए हैं, कुत्ते बड़े हुए हैं जो खोल लेते हो, उनका जो चार्ज है वो पैसे उन्होंने अपने कर अपने अंडर में कर लिया, खा लिया। जो आप बता रहे हैं कुत्ते या घूम रहे हैं, कौन तरीका पे है? अच्छा, ये हमारे के ब्लॉक में है। अच्छा, आप अभी दिखाऊंगा आपको। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक खिला हुआ है के ब्लॉक में, उसमें कोई नहीं है, जानवर घुसे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़ा नहीं, कोई एक बंदा वहाँ रख दिया है, कोई वहाँ पे कुछ नहीं है। एक स्कूल बता दो आप ही, पूरी दिल्ली में उन्होंने एक स्कूल खोला हो जी, एक स्कूल। और नए नए ड्रामे निकाल के लाते हैं, नई नई स्कीमें लाते हैं डेली, नई नई कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक लाते हैं। इनके पास और कुछ नहीं है, इनके विधायक ड्रामा करते हैं, बेहोश हो जाते हैं सड़कों पे, ये करते हैं वो करते हैं, तो इनका कोई वो नहीं है। okay. तो अपनी गलती मानते नहीं। यदि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना आते, उन पर एलिगेशन लगा, यदि ये कट्टर ईमानदार है, यदि ये ईमानदार है, इस्तीफा दे के सामना करे, क्या दिक्कत है? मदन लाल खुराना ने किया था, उमा भारती ने किया था, नितिन गडकरी ने राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद इस्तीफा दिया था और बोले थे इस्तीफा दे के सामना करा था, और इसने माफी मांगी थी, जेटली जी के बारे में बोला था, इसने माफी मांगी। हर बात में ये झूठा साबित होता है। आया था लोगों को जगाने, आ गया शराब पिलाना, को शराब पिला पिला के लोगों को सुला दिया है। ना जाने कितनी देश की, प्रदेश की जनता, कितनी लोग मरे हैं ऐसे शराब पी पी के, एक के साथ एक फ्री, और लोगों पर पर्दा डाल रखा, अपने आप ही ड्रामे करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। इनकी यही नीति और कुछ नहीं इनके पास। मोदी जी आते क्षेत्र में नहीं आते थे, ये यहाँ विधायक राजेश गुप्ता जी हैं। अब राजेश गुप्ता जी की बात करता हूँ, राजेश गुप्ता जी चुनाव के टाइम आते हैं, वहाँ वो नहीं आते। अब तो पीछे तो गायब हुए थे ना, इन्होंने अभी चुनाव होते, चुनाव में निगम पार्षद यहाँ से चित्रा जी खड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी से, उनके संपर्क में भी नहीं है, उनके संपर्क में नहीं थे ना वो चुनाव में। वो अपने चुनाव में पैसे के लिए आते हैं, मार्केट से इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, या इस विषय के लिए आते हैं। डोबर रोड खुद गई है यहाँ से, हाँ, और फिर वो खड्डे हैं, फिर रोड बनेगी, ये गवर्नमेंट का कहाँ से पैसा है? पब्लिक का पैसा है, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, ये अपने पैसे, पब्लिक का पैसा, पब्लिक कहाँ से पैसा देगी? ये सारा घोटाला कर रहे सर, आज रोड बनी, कल खड्डा कर दिया, कल पाइप डाल दी, तो पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आम आदमी पार्टी को अभी जो राष्ट्रीय दर्जा मिला है सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इस पे जो राष्ट्रीय दर्जा जो इन्हें मिला है, ये ड्रामेबाजी कर करके, झूठ बोल बोल के, यहाँ के होर्डिंग आप यूपी में लगा दोगे, वो यूपी वाला यहाँ थोड़ी देखने आ रहा। इनकी झूठ की नीति, लोग सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ होगा, तो अब इसको जान गए, समझ गए हैं,
अब इसका सफाया है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। इनकी तो सरकार है, पंजाब में भी सरकार है। नहीं, पंजाब में भी है, पंजाब के बुरे हालात है जी। अच्छा। कितने दंगे हो रहे हैं वहाँ, कितने रोज मार काट हो रही। हाँ, पाकिस्तान से असला आता है, कितनी रोज देख रहे हैं न्यूज पे, देखो आप। हाँ बिल्कुल, इन्होंने वहाँ बेड़ा गरक कर रखा। अच्छा। लोगों को फ्री का चंदन बोल बोल के लोगों को अपनी तरफ किया इन्होंने। और तो क्या लगता है आपको, सरकार चल पाएगी ज्यादा? नहीं चल पाएगी। और इनकी सुनो मेरी बात, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, ये चोर मचाए शोर वाली नीति एंड होगा जल्दी। जो दिए की लो है वो आखिरी भबक रही है, इनको समझ चुके हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं कि हम देश के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो फ्री ये फ्री, अबे करोगे क्या भाई, कुछ अच्छे काम करो जी, ताकि देश के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। रो नई नई स्कीम लाते हैं, जो पूरी दिल्ली में शराब नगरी बना दी पूरी दिल्ली को, तो इन्होंने वापस ली शराब नीति, यदि सही थी तो वापस क्यों ली? बिल्कुल, ये है जी मेरा सवाल, और कुछ नहीं है बस। झूठ बोलना बंद करे और काम करे, लोगों से जमीन से जुड़ के काम करे। जैसे नितिन गडकरी ने पूरे भारत को चमका दिया है, मोदी जी ने पूरे भारत के रोड जाके 200 किलोमीटर इधर जाइए उधर जाइए ये होते हैं काम। हमारी सेना को सशक्त बना दिया है, शक्तिशाली बना दिया है, तो ऐसे काम करिए। हवाई अड्डे कितने बना दिए हमारे देश में, जितने हवाई अड्डे थे उससे डबल हो चुके हैं, तो ये काम करिए, काम करके दिखाइए। एक पुल को झूठी बोलता रहेगा, मैंने वो पुल 150 उसमें बना दिया और 200 में बना दिया, ये सबूत किसके पास है, कितने में क्या बना रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, जैसे भी वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली अध्यक्ष बनाए गए, तो क्या लगता है उनके आने से संगठन दिल्ली में कितना मजबूत होगा? नहीं, इसमें सचदेवा जी को बनाने पे बहुत अच्छा होगा और अच्छा काम करेंगे, अभी बने हैं वो, अब आने वाले समय में देखते हैं क्या करते हैं। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? नहीं, आने वाले समय में बीजेपी आएगी, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की होगी। मैं जैसे आपके मजीरपुर वार्ड 66 में मौजूद हूँ, बेसिक गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है सर, तो बेसिक में पानी की समस्या कोई इस तरह की समस्या बनी? हाँ जी, पानी की बिल्कुल समस्या रहती है, बिल्कुल। अब पिछली अभी 15 दिन पहले भी काफ़ी समस्या रही, 3-3 दिन पानी नहीं आया, बड़ी दिक्कत रही है, गंदा पानी आ रहा। लोग हर घर में, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ जो कहो मैं वो हारने को तैयार हूँ, हर घर में स्वयं जाइए चढ़िए, हर घर में बोतल आ रही पानी पीने की, वो वाली विसलरी की। हर आदमी 30-40 रुपए रोज खर्च कर रहा है, क्या करे, मरता क्या नहीं करता। हाँ, मैं ओबीसी का अध्यक्ष हूँ प्रदेश में, सह प्रभारी हूं, तो ओबीसी समाज को लेकर सर हम तो प्रतिदिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ ना कुछ जो भी काम होता है एक दूसरे को जोड़ते हैं हम यहाँ, हर तीसरे चौथे दिन भाई को बुलाते हैं, किसी को जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, किसी का संपर्क करते रहते हैं, कोई हाँ संगठन बनाते रहते हैं, हर तीसरे दिन यहाँ पे प्रोग्राम होगा। कल यहाँ जी महेंद्र नागपाल जी का भी जन्मदिन था, तो कल उनका भी जन्मदिन यहाँ पे मनाया गया बड़ी धूमधाम से। यहाँ के जब पूर्व विधायक थे महेंद्र नागपाल जी और अभी के जो विधायक हैं सर, क्या डिफरेंट देखते हैं कामों को लेकर? धरती और आसमान सर, ये जितनी भी चीजें चमक रही है ना अच्छी, वो सब नागपाल जी की चमकाई हुई है। क्या क्या किया था जय जय कॉलोनी के लिए? जय जय कॉलोनी में ये जो सामने पार्क है इसको बहुत सुंदर बनाया था, ये झूले पुले, ये जो ये है बीच में जो भोलेनाथ जी की फोटो लगाई थी वो भी बहुत सुंदर थी, और जितने कॉम्प्लेक्स गरीबों के लिए वो उसने बनवाए थे जी। सर बहुत काम किया। राज के हालात क्या है सर? हालात तो ऐसी है जी, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग आके पार्क में बैठ जाते हैं, उनकी क्या गलती है क्योंकि जगह ही नहीं है। ये जय कॉलोनी 25,000 लोगों के लिए बनी थी, अब यहाँ पे 1.5-2 लाख लोग रहते हैं, तो दरअसल ये है जगह कम है तो लोग पार्क में आके बैठे। अब ये सड़क दोबारा बनने जा रही है, दो महीने बाद। हाँ मतलब एक साल में दो बार, क्या ये सरकार का नुकसान नहीं? अच्छी नीति के साथ काम करे, मिल के काम करे, तो पार्षद भी आपके हैं, निगम भी आपका है, करके दिखाओ अच्छे काम। और कुछ सर लास्ट में कोई जनता को कोई मैसेज? जनता को मैसेज ये है कि किसके बारे में, जनता को मैसेज ये कर सकता हूँ, सभी मिलजुल के रहो। कोई कहता कि फलाने को उसने मारा, किसी ने कुछ नहीं मारा, अब ईद आ रही है, ईद पे भी हम भी ईद पे भी सहयोग करेंगे जो हमसे हो सकता है। हमारे यहाँ बैठते हैं जितने भी हैं, हमारा भाईचारा है बहुत अच्छा है, तो ईद पे भी हम जाएंगे, यार दोस्त है हमारे, तो ईद पे भी ईद मनाएंगे उनके साथ मिलकर। अच्छा, पार्टी से जुड़ के आप सर किस किस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं? आप ओबीसी के महामंत्री हैं मंडल से, तो क्या कर रहे हैं? सर हम तो मोदी जी के फैन हैं और पूरे देश में जो उन्होंने सेना को सशक्त बनाया, सेना को शक्तिशाली बनाया, इस देश का नाम रोशन किया, जो हमारे भाई बहन विदेशों में रह रहे आज वो गर्व से कहते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं,
आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी चल रही है? तैयारी का जनता ने मूड बना रखा, एक तरफा है, इनको समझ चुके सर। जो सभी पार्टी अलायंस कर रही है, क्या ऐसे लगता है मोदी जी को नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, लोग समझ रहे हैं, समझ रहे कि ये झुंड इकट्ठा हो रहा है, ये हमला करेंगे, इसलिए जो आम जनता है उन्हें पता है वो गरीबों का मसीहा है, उसके ना पीछे है ना आगे है, वो गरीबों के लिए ही काम कर रहा है। देखो उन्होंने गरीबों के लिए 3 काम इतने बेहतर किए हैं जो मैं गिना सकता हूँ, यहाँ तक के जो लोगों पे अत्याचार होते वो भी कई हद तक ख़त्म हो गए हैं। पहला उन्होंने घर घर शौचालय दे के, और दूसरा काम जो घर घर सिलेंडर दे के किया है वो भी बहुत मजबूती का काम है। तीसरा राशन, जो राशन देते हैं गरीब आदमी भूखा नहीं रहता। महंगाई बताइए क्या चीज है, मुझे क्यों नहीं महंगाई बताओ? क्या आलू हमारा 4 रुपए किलो बिक रहा, एक सिलेंडर ही तो पेट्रोल पे जाइए, पेट्रोल पे जाइए। सुनो पेट्रोल पे अब सीएनजी काम कर रही है, पेट्रोल तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। और फिर एक और है सर, जब देश में काम होंगे तो थोड़ी सी महंगाई तो झेलनी पड़ेगी हम सबको, कोई बात नहीं, झेलनी भी चाहिए क्योंकि काम इतने हो गए हैं। बाहर निकलिए घर से और देखिए, फिर कहेंगे जय मोदी जी।